The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, heartburn, gas, acidity, जो हम antibiotics खाने से होता है, दवाइयों से होता है, वो क्यों होता है? पहले हम एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, हार्ट बर्न है, और ये एग्जैक्टली है क्या? एंटीबायोटिक्स क्यों इसमें दिक्कत दे सकते हैं, क्यों कारण बन सकते हैं? सी, किसी भी तरीके के इरिटेशन अगर आपकी स्टमक की या फूड पाइप की लाइनिंग को हो रही है, लाइनिंग मतलब अंदर के म्यूकस मेम्ब्रेन को हो रही है, दैट इज इटसेल्फ कॉल्ड गैस्ट्राइटिस. अब ये गैस्ट्राइटिस या रेड या स्वोलन लाइनिंग अपने आप में एक खात में, जैसे आपके मान लीजिए कभी पानी गिर जाए, गरम गरम चाय गिर जाए तो लाल सा हो जाता है, द सेम थिंग इज देयर. इट्स अ बर्न टाइप थिंग. ये इरोजन भी हो सकता है, छाला भी हो सकता है, लिटरली ऊपर से स्किन अल्सर भी हो सकता है. सो अल्सर हो सकता है, ये हो सकता है, और ये पूरे मुंह से लेके नीचे एनस तक कहीं भी हो सकता है, राइट? सो ऊपर के पार्ट को, स्टमक के पार्ट को, स्टमक और फूड पाइप के पार्ट में जब होता है, इसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं. इसके मेन रीजंस अगर आप सुनेंगे तो मेन रीजंस नॉर्मली सबसे बड़ा रीजन है मेडिकेशन. जी हाँ, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी पेन किलर्स. जी हाँ, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ब्रूफिन, पैरासिटामोल, ये सारी दवाइयां इसका मेन रीजन है. उसके अलावा इंफेक्शन, एच पाइलोरी का नाम के बैक्टीरिया का इंफेक्शन, एंड उसके अलावा देयर इज टोबैको यूज, अल्कोहल यूज, एंड सर्टन अदर कंडीशन लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, कोई भी तरीके का ड्रग यूज, एंड एंटीबायोटिक्स. यस, एंटीबायोटिक्स कॉज गैस्ट्राइटिस, दैट इज वेरी वेरी नोन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि ये सारी चीजें कर सकती है. कभी भी आपको अगर इस तरीके का कोई भी अल्सर्स, वट एवर यू हैव अल्सर, गैस्ट्राइटिस, GERD, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न. हार्ट बर्न इज समथिंग लाइक दैट, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. एंड रिफ्लक्स डिजीज भी कई सारी मेडिकेशन से होती है, कई सारी डाइटरी सप्लीमेंट से होती है. कई सारी मेडिकेशन या डाइटरी सप्लीमेंट्स आपके स्टमक का कंटेंट ऊपर छलक सकता है, सो यू माइट हैव गैस्ट्रिक रिफ्लक्स इशू, राइट? GERD, एंड दैट इज सीन विद मेनी मेडिकेशंस लाइक एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, फिर देयर आर समथिंग लाइक बिसफॉस्फोनेट फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए जो लेते हैं एलेंड्रोनेट, जोलेंड्रोनेट, इब्राड्रोनेट, रिजिड्रोनेट, क्विनिडीन, पेन रिलीवर जैसे हमने बताया एस्पिरिन, ब्रूफेरिन, पोटेशियम सप्लीमेंट से होता है, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन से होता है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से होता है, नार्कोटिक्स से होता है, प्रोजेस्टेरोन से होता है, सेडेटिव्स जैसे ट्रैंक्विलाइजर, बेंजोडाइजेपिन, डायजेपाम, थियोफाइलिन, जो हम इथियोफाइलिन अस्थमा की दवाओं से होता है. सो मेनी थिंग्स कैन लीड टू GERD, सो मेनी मेडिकेशन साइड इफेक्ट कर सकती है. जहां तक बात आ रही है क्या आपकी, आपके केस में आपकी दवाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज, क्या ये गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी ये जरूरी है कि आपके केस में, जी हाँ, पेन किलर, एंजाइटी, एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ब्लड प्रेशर, बोन की हड्डियों की दवाइयाँ, ये सारी आपको इस तरीके का गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकती हैं. और इसमें आपको एंटासिड लेना पड़ सकता है. बहुत कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं. लेट मी जस्ट वॉक थ्रू कि ऐसी क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प होगा. सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट स्टॉप द मेडिकेशन. जी हाँ, मेडिकेशन बंद नहीं करना है, बिना डॉक्टर से बात करें लेने के देने पड़ सकते हैं, तो डू नॉट स्टॉप द मेडिकेशन. नंबर टू, विथ एनी मेडिकेशन, राइट, आपको याद रखना है दवाई डोज से ऊपर नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना. अगर आप ले रहे हो तो ऐसा नहीं करना कि मैं दवाई आधी कर देता हूँ शायद ठीक हो जाए. ऐसा भी नहीं करना कि मैं दवाई डबल ले लेता हूँ, दर्द ज़्यादा हो रहा है, डबल ले लेता हूँ शायद ठीक हो जाए. उससे क्या होगा, यू विल हैव बिग बिग इश्यूज, साइड इफेक्ट्स डबल हो जाएंगे. सो डोंट डू दैट ऑल्सो. फिर व्हाट एल्स कैन यू डू? द अदर थिंग विच यू कैन डू, थर्ड थिंग इज कि आपको दवाई के ऊपर या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ये समझना जरूरी है कि दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है. कुछ दवाइयाँ बोली जाती हैं कि खाना खाने से पहले लो, कुछ दवाइयाँ बोली जाती हैं खाना खाने के बाद लो. तो अगर आप उसमें गड़बड़ कर रहे हो तो भी यू कैन हैव सच साइड इफेक्ट्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
what kind of medications you are taking and when, what is the best time to take those medications, right? Vitamins, minerals, ये सारी कई बार खाना खाने के बाद ली जाती है. Antacids की दवाएं खाना खाने के पहले ली जाती है. अगर खाना खाने के बाद antacid लोगे, जब acid बन चुका है, तो कई बार उसका कोई फायदा नहीं होता, right? Then if you can change, then ask your doctor if you can change the way you get take your medication. जैसे कि अगर आप कोई दवा ले रहे हो, उसकी जगह कोई क्रीम आ जाए, कोई ऑइंटमेंट आ जाए. मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, उसके लिए क्रीम, ऑइंटमेंट या कोई इंजेक्शन काम कर जाए, तो आपका पेट बाईपास हो जाएगा, है कि नहीं? पेट को नहीं लगेगा, फिर गैस्ट्राइटिस नहीं होगा. या फिर खाना खाने के बाद में या दवाई खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है, तुरंत लाई डाउन नहीं करना है. कोई भी सर्टन मेडिकेशन आपने ली, उसके बाद में बिल्कुल भी तुरंत लेटेंगे तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. रिमेंबर दैट, रिमेंबर दोज थिंग्स. एंड वॉट एल्स, डोंट लाई डाउन, राइट? एटलीस्ट फॉर 15-20-30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए लाई डाउन नहीं करना है किसी भी प्रकार की. या फिर अगर लेट रहे हो तो साइड, लेफ्ट लैटरल पोजिशन में, लेफ्ट लैटरल पोजिशन में लेटना है. और देन वॉट इज द नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू, यू कैन टेक अ जिंजर सप्लीमेंट. जी हाँ, जिंजर, एक जी हाँ, जिंजर यानी अदरक, या फिर कोई चाय, 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 अदरक, ये सारी चीजें अगर रात को दिक्कत करती है तो रात को लेने में फायदा होता है. जिंजर खासकर, चाय नहीं, जिंजर टी भी मदद करती है. चाय से अगर आपको नींद नहीं आएगी तो मत लीजिए, वरना ले सकते हैं. कई लोगों को आ जाती है, कईयों को नहीं भी आती. देन यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट द ओवर द काउंटर मेडिकेशंस फॉर गैस्ट्राइटिस. अगर गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्राइटिस के लिए ओवर द काउंटर हार्टबर्न एंटासिड्स आप ले सकते हैं. एंटासिड्स में आपके पास में 3-4 ऑप्शंस है. नंबर वन इज एंटासिड, जो कि बेसिकली स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और कुछ नहीं करती. सो न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, वो खाने के बाद भी ले सकते हो. द अदर थिंग्स विच रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन, एसिड बनने से रोकती है, इसका इंपॉर्टेंस है कि आप खाना खाने से पहले लो. अगर इसको आप खाना खाने के बाद लोगे, जब बन चुका, तो फिर अब क्या करोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत. सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 ब्लॉकर्स, ये दोनों दवाइयां हैं जो PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, सोमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ये सब खाना खाने से पहले ये लेना चाहिए, आधा घंटा पहले, क्योंकि खाना खाते समय आपका ऑलरेडी एसिड बन गया जो बनना था. देन एंटासिड काम करेगा, राइट? फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बिस्मथ सबसेलेट. बेसिकली ये सुक्राफिल जैसी दवाएं, ये प्रोटेक्ट करती हैं स्टमक के लाइनिंग को. समटाइम्स क्या होता है, अल्सर है अंदर, समटाइम्स हमें पता है, हमें होता ही है रिफ्लक्स, हमें होता ही है गैस्ट्राइटिस, और उस अल्सर को हील होने का समय देना पड़ता है. नाउ इधर छाला हो जाए तो इधर से खा लोगे, इधर छाला हो जाए तो इधर से खा लोगे कि इसको ना लगे, पेट का क्या करोगे, पेट में तो लगेगा ही लगेगा. तो उसके ऊपर ये बिस्मत सब सैलेड यानी सुक्राफिल, सुक्रालफेट, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये जाके उसके ऊपर कवर कर देता है. जब उसके ऊपर कवर हो जाता है तो फिर आप जब खाना खाते हो, फिर जब एसिड बढ़ता है तो उसको लगता नहीं है. तो ऐसे में फिर आप अपने गैस्ट्राइटिस को प्रोटेक्ट कर लेते हो. सो इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, दो तरीके की दवाएं उसके साथ जरूर देता है. एक एंटासिड, इस तरीके का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 ब्लॉकर, जो खाने से पहले खाने के लिए बोला जाता है. और एक देते हैं हम प्रोबायोटिक. प्रोबायोटिक भी दिया जाता है क्योंकि एंटीबायोटिक के साथ बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो भी कई बार कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए प्रोबायोटिक सपोर्ट देना पड़ता है. याद रखिए, अगर आप एनसेड्स या पेन किलर ले रहे हैं तो वो नंबर वन रीजन है. अगर आप टोबैको यूज कर रहे हैं, सिगरेट, बीड़ी, दारू भी, ये नंबर वन, नंबर टू रीजंस हैं एसिड में, स्टमक में इश्यूज करने के. सो दैट इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग विच यू नीड टू कंट्रोल, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से बात करें कि और कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन और कोई स्पेशल दवाइयां जी भी आती हैं उस केस, पर्टिकुलर केस के लिए. अगर GERD है, अल्सर है, तो उसके हीलिंग के लिए और क्या ले सकते हैं, और कुछ जो ले सकते हैं वो डॉक्टर से पूछ के आपको लेना है. और अगर ये ठीक नहीं हो रहा आपका, 50 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, साल हो गया, हाय राम मैं क्या करूं, मेरा तो पेट ठीक ही नहीं होता, मेरे छाले ठीक नहीं होते, मेरा अल्सर, मेरा हार्ट बर्न ठीक नहीं होता, तो ऐसे केस में आपको, या फिर आपको स्वॉलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका अगर वेट लॉस हो रहा है, भैया देखो दो चीजें, अगर तो क्रोनिकली ठीक नहीं हो रहा तो वाइटामिन लेवल चेक करो, वाइटामिन डी, B12, राइट, कंप्लीट वाइटामिन प्रोफाइल, वाइटामिन सी, हीलिंग प्रॉब्लम हो सकता है, B12 की कमी हो सकती है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है, पूरे के पूरे वो ठीक करना पड़ेगा. और अगर वेट लॉस हो रहा है, निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई साहब वी हैव टू लुक फर्दर, क्या रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स से इसोफेगस में कैंसर तो नहीं हो रहा,
कैंसर के चांसेस होते हैं बार बार. सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज वाइज, सिम्टम वाइज, सिचुएशन वाइज. सो आपके केस में क्या वैल्यू, क्या क्या मायने रखता है, इसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज टू हैव अ गुड फैमिली फिजिशियन, अ गुड डॉक्टर हु कैन गाइड यू, हु टॉक्स टू यू, हु अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम परफेक्टली. सो दिस इज द आइडिया why antibiotics cause heartburn, because antibiotics are irritant on the heart, right? Kai antibiotics hai wo stomach ke andar on the stomach they are irritant to the lining of the stomach, aur antibiotic hai right, unka kaam hai cheezo ko right marna, to wo andar jaake absorb hote hue irritate karti hain aur wo gastritis karti hain. So this is the basic about antibiotic causing heartburn and what you can do about gastritis and heartburn during that time. Most importantly, do not stop your medicines and make sure to talk to your doctor and make sure to like and subscribe this channel videos, and so that others can be recommended by the protocols of YouTube and whatever. So thank you so much guys, please do ask your questions. I've tried to explain it in the best way possible and I am sorry if we are not getting the best